वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास MI का Redmi 10 प्राइम फ़ोन आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है गाइस हैंगिंग लोगों का। तो देख सकते हैं गाइस ये फ़ोन जो है MI पे ही रुका हुआ है। इसे बंद करके चालू भी कर रहे हैं तो भी गाइस ये MI पे ही रुका हुआ है, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। तो गाइस ऐसे फ़ोन को किस तरह ठीक करना है मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ। गाइस आपको ऑलमोस्ट कोई भी रेडमी के फ़ोन आते हैं जो हैंगिंग लोगो होते हैं उसे किस तरह फॉर्मेट करते हैं मैं आज के इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस हमें जो है जो हमारा प्लस बटन और माइनस बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके आपको रखना है। फ़ोन हमारा बंद होएगा, बंद होके वापस चालू होएगा। तो यहाँ पर गाइस जो है जैसे ये फ़ोन बंद होएगा तो आपको प्लस और पावर बटन को एक साथ प्रेस करके रखना है। और गाइस जैसे हमारा फ़ोन ऑन होएगा हमें पावर बटन को छोड़ देना है और प्लस बटन को दबा के रखना है तो हमारा फ़ोन जो है रिकवरी मोड पे चले जाएगा। तो यहाँ पे गाइस जो है सेकंड वाला ऑप्शन आपको चॉइस करना है और उसके बाद गाइस आपको पावर बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद गाइस सेकंड वाले पे फिर पावर बटन, फिर कन्फर्म पे सेकंड वाले ऑप्शन पे फिर पावर बटन। तो गाइस ये फ़ोन जो है हमारा फॉर्मेट होएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लेगा ये फ़ोन ऑन होने में, तो यहाँ पे 10 मिनट 15 मिनट भी ले सकता है। तो गाइस यहाँ पे वीडियो को मैं थोड़ा सा कट करूँगा और आप लोग को ये फ़ोन जो है ऑन करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये फ़ोन जो है पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है। अभी जो है गाइस इस फ़ोन को मैं ऑन करता हूँ, देख सकते हैं ये फ़ोन मेरा ऑन हो चुका है। तो गाइस इस फ़ोन में जो लगा हुआ है अभी FRP लॉक लगा हुआ है, तो इसे किस तरह बाईपास करते हैं मैं आप लोग को इस वीडियो में बताता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं आप लोग को चेक करके भी दिखा देता हूँ इसमें जो लगा हुआ है FRP लॉक। यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है जो डिस्प्ले पे हमारा ऊपर की तरफ लॉक का दिख रहा है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये लॉक का जो सिंबल बना हुआ रहता है। तो इस फ़ोन में 100% FRP लगा हुआ है। तो यहाँ पे गाइस जो है ये फ़ोन को जो है मैं आप लोग को चेक करके दिखा देता हूँ जो इसमें लगा हुआ है FRP लॉक। तो गाइस ये फ़ोन जो हमारे पास आया तो हैंगिंग लोगो था और हैंगिंग लोगों से गाइस मैंने इसे फॉर्मेट किया। फॉर्मेट करने के बाद गाइस ये FRP बाईपास पे आ गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे गाइस ये FRP लॉक है, यहाँ से ये हमें बाईपास करना होगा। तो गाइस यहाँ से पहले एक मेथड होता था विदाउट इंटरनेट का, गाइस हमें एक पैटर्न बना देते थे तो गाइस उसके बाद वाईफाई कनेक्ट कर देते थे तो ये पैटर्न को लगा देते थे गाइस ये फ़ोन हमारा ऑन हो जाता था। लेकिन गाइस ये जो है लेटेस्ट अपडेट है तो गाइस ये MI का Redmi 10 प्राइम फ़ोन है तो ये यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो गाइस इसे दूसरे तरीके से बाईपास करना होगा। तो ये कैसे करना है तो यहाँ पे देख सकते हैं इसे वाईफाई से आपको कनेक्ट करना होगा और कनेक्ट करने के बाद गाइस आप लोग को जो है यहाँ पर एड नेटवर्क का एक ऑप्शन आपको दिखता रहेगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करना है और टाइप करने के बाद गाइस आपको ऑल यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे गाइस एक सिंबल बनता है, इसे प्रेस करना है और यहाँ जो जीमेल लिखा हुआ उस पर आपको फिंगर से प्रेस करके रखना है और यहाँ पे जो गाइस ये वाले ऑप्शन को आपको चॉइस करना है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है, इसे चॉइस करना है। इसे चॉइस करने बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है और सेकंड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। गाइस यहाँ पे फर्स्ट क्लिक हो गया है मेरे से, तो मैं वापस इसे बैक करता हूँ और बैक करने के बाद गाइस इसे जो है सेकंड वाला ऑप्शन हमें चॉइस करना है। तो यहाँ पे जो गाइस हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको खाली डी लिखना है। डी लिखने के बाद गाइस जो ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन आ रहा है आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है तो हमारा जो ऐप वाला मेनू वो खुल जाएगा। तो यहाँ से गाइस हमें ऐप को पहले जो है गाइस ऑन करना होगा सेटिंग को। तो सेटिंग को ऑन करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऑप्शन बना हुआ रहता है, ये वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से जो है आपको ये वाला ऑप्शन ऑन करना है। तो देख सकते हैं इसे किस तरह मैं ऑन कर रहा हूँ। ऑन करने के बाद देख सकते हैं गाइस ये ऑन हो चुका है। अभी यहाँ से गाइस हमें जो है बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस हमें यहाँ पे ये वाले ऑप्शन को ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद गाइस हमें जो है
ऊपर की तरफ आना है तो यहाँ पे गाइस दे सकते हैं एंड्रॉयड सेटअप लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है, इसे डिसेबल करना है और गाइस इसे फॉर्मेट कर देना है यहाँ से। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद गाइस हमें नीचे की तरफ जाना है तो एक यहाँ पे सेटअप वाला ऑप्शन आएगा, इसे भी जो है फॉर्मेट कर देना है। फॉर्मेट करने के बाद हमें गाइस वापस नीचे आ जाना है, जो हमारा गूगल सर्विस वाला ऑप्शन है उसे भी हमें डिसेबल करना होगा। तो गाइस यहाँ पे जो है हमें उसे ढूंढना होगा, ये नीचे की तरफ है तो देख सकते हैं ये गूगल प्ले सर्विस जो है इसे भी हमें डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद फॉर्मेट कर देना है और गाइस यहाँ से जो ये हमारा प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो चुका है। अभी हमें पूरी तरीके से मेनू में बैक आ जाना है, एकदम बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद गाइस हमें जो वापस से नेक्स्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करने के बाद वापस नेक्स्ट क्लिक करना है तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये वाले ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे जो है इसे गूगल असिस्टेंट पे बार बार क्लिक करना होगा तो एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा। सेटिंग का ऑप्शन के बाद गाइस गूगल प्ले सर्विस आएगा तो यहाँ पर इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद गाइस इसे जो है हमें वापस से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद गाइस देख सकते हैं ये जो हमारा FRP था वो 100% बाईपास हो चुका है। तो यहाँ पे गाइस आपको कुछ नहीं करना है, आपको नेक्स्ट करना है और ये फ़ोन जो है हमारा ऑन हो जाएगा। यहाँ पे स्केप कर देना है और यहाँ से गाइस आपको एग्री करके हमें जो है नेक्स्ट करना है। और गाइस ये हमारा फ़ोन यहाँ पर थोड़ा सा टाइमिंग लेगा और टाइमिंग लेने के बाद गाइस मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है। और इस तरह ऑलमोस्ट कोई भी रेडमी के फ़ोन होते हैं जिसे FRP बाईपास किया जाता है तो यहाँ से गाइस जो ऑप्शन आपने डिसेबल किया था उसे जो है वापस अनेबल करना होगा। तो आप जो डिसेबल किए हैं उसे अनेबल कर दें क्योंकि नहीं तो गाइस इसमें इंटरनेट जैसे कनेक्ट होगा तो प्रॉब्लम देगा। तो यहाँ पे गाइस इस तरह MI के ऑलमोस्ट कोई भी फ़ोन हो जिसे हैंगिंग लोगों को फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेट करने के बाद गाइस उसे FRP बाईपास किया जाता है। तो यहाँ पे गाइस ये पूरा मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। और गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह गाइस आपको डेली एक नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये फ़ोन में मैंने जो चीज़ डिसेबल किया था उसे वापस से ऑन कर दिया हूँ क्योंकि यहाँ पर गाइस जो नहीं तो बाद में इसमें फ़ोन में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ से कम्प्लीट हमारा फ़ोन हो चुका है, आप लोग देख सकते हो ये जो हैंगिंग लोगो प्रॉब्लम था ये हमारा सॉल्व हो चुका है। गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।